आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर भाजपा सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए नई योजनाओं का उद्घाटन कर रही है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। इसके बाद कुछ सरकारी सोशल मीडिया हैंडल्स और भाजपा नेताओं ने इस एयरपोर्ट की बताकर दो तस्वीरें शेयर की। माय गवर्नमेंट हिंदी ने इस एयरपोर्ट के बारे में शेयर किए एक वीडियो में ये तस्वीर यूज की है। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB चंडीगढ़, प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज, रीजनल आउटरीच ब्यूरो UP ने भी ये तस्वीर शेयर की। कुछ भाजपा नेताओं ने भी ये तस्वीर शेयर की है। इसमें सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, असम के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सेकैया, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा सांसद महेश पोद्दार शामिल है। तो आइए जानते हैं इस तस्वीर की असलियत क्या है। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें कुछ लिंक्स मिले जिसमें ये तस्वीर दक्षिण कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की बताई गई है। दक्षिण कोरिया के एक न्यूज़पेपर ने भी 2017 में ये तस्वीर पब्लिश की थी। अब आते हैं इस दूसरी तस्वीर पर। PIB यूपी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें शुरुआत के कुछ सेकंड में ये तस्वीर दिखती है। माई गवर्नमेंट हिंदी और माई गवर्नमेंट इंडिया ने भी ये वीडियो पोस्ट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ये तस्वीर कई नामी भाजपा नेताओं ने शेयर की है, जैसे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, BJP VP उत्तर प्रदेश पंकज सिंह और BJP VP दिल्ली सुनील यादव। गुजराती न्यूज़पेपर संदेश ने 26 नवंबर को ये तस्वीर फ्रंट पेज पर पब्लिश की। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें पता चला कि ये तस्वीर चीन के बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। अमेरिका के मीडिया आउटलेट वाइस ने 2015 में ये तस्वीर पब्लिश की थी। 2019 में बीजिंग के मीडिया आउटलेट CGTN ने YouTube पर इस एयरपोर्ट का एक वीडियो अपलोड किया था। कुल मिलाकर चीन और कोरिया के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली परियोजनाओं की बताकर शेयर की गई। भाजपा सरकार के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट सहित BJP नेताओं ने भी ये तस्वीर शेयर की।